जलने वाले जलते हैं, जलना उनका काम है, जला जला के राख कर देंगे, एमजेंस इनका नाम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन नागर ब्लॉग्स। आज हम आए आईएससी बोर्ड मैथ्स का टर्म वन का पेपर रिव्यू करने हमारे एमजी कॉन्वेंट स्कूल में। मैं यहीं पर पढ़ा हुआ हूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आते हुए। अभी बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनका रिएक्शन आपको बता रहे होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, टाइम को मैनेज कैसे करा और क्या उनका फीडबैक रहा पूरे पेपर के रिगार्डिंग। तो हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा नाम फ़ैज़ अहमद कुरैशी है और मैं 12th क्लास का हूँ। आज हमारा मैथ्स का पेपर था, पेपर बहुत इजी आया था। सही बताऊँ मतलब जितनी हमने प्रिपरेशन करी थी उसका कोई वर्थ नहीं था। 90 मिनट का पेपर था, उसमें हमारा 45 मिनट में हो गया, 45 मिनट ऐसे ही बोर होते रहे। तो आज तो भैया मज़े आ रहे हैं। आज एक सवाल पर्सनली पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है हमारा, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? जो आपने को देखे रखा है y इक्वल टू समथिंग, उसको आपको dy बाई dx करना था, फिर d2y बाई dx स्क्वायर करना था, फिर आपको एक इक्वेशन देके रखी थी उसमें पुट करके बताना था कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है आपका पेपर। हाँ, आज तो फुल मार्क आ रहे हैं, 80 out of 80। ठीक है, फिर इनके लिए एक स्टोरी डालेंगे हम अगर 80 out of 80 आते हैं तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बच्चे की तरफ। हाँ सर, आप? मेरा नाम प्रसन्न नारेलिया है, मैं 12th क्लास में हूँ, मेरा सब्जेक्ट PCM है और आज का पेपर बहुत ईजी गया है। सबसे ईजी टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब सबसे ईजी क्या लगा आपको, कौन सा टॉपिक? रिलेशन फंक्शन ज़्यादा ईजी था। तो आमतौर पे बच्चों को उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि उसमें लिखना बहुत ज़्यादा रहता था, थ्योरेटिकल था, बट इस बार MCQ था। तो MCQ में किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे? MCQ में ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंदी नहीं थे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कितने टाइम में आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए थे अटेम्प्ट? नियरली 10-15 मिनट बाकी थे पेपर में, उससे पहले हो गए थे। मतलब टाइम का कोई सा शॉर्टेज नहीं पड़ा आपको? ठीक है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं अबव 55 आउट ऑफ 70। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। एक और बच्चा जुड़ा है हमारे साथ अभी। नितेश पाटीदार नाम है मेरा, PCM मेरा सब्जेक्ट है और आज मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आया था। वैसे जैसा लास्ट पेपर हुए थे इंग्लिश का, वो बहुत ही ख़राब गया था आप लोगों का, ऐसा हमने रिव्यू लिया था, तो क्या इससे कवर हो जाएगा मैथ्स के पेपर से? हाँ, हो तो जाएगा, पर अब देखते कैसा क्या। पर फिजिक्स का बहुत टफ आया था पेपर। तो फिजिक्स में पास तो जाएंगे ना? हाँ, सब हो जाएंगे 50 अबव। और मैथ्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? 70 अबव। 70 का तो पेपर ही था मैंने 80 का था। 80 का पेपर था। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, कुछ बोलना है दर्शकों? बस कुछ टिप्स देना चाहेंगे नेक्स्ट पेपर के लिए? बस कि प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा पेपर तो वैसे इजी आया था। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव नागर है। मैथ्स का पेपर था आज, कैसा गया रहा? वैसे तो बढ़िया था, मतलब मार्क्स 60-70 अबाव आएंगे ही आएंगे, और बाकी बहुत ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा टफ आया था और बच्चों ने मतलब बहुत सारों को बिगड़ा, इवन मतलब इंडिया लेवल पर सबका ही बिगड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। बट इस बार का जो मैथमेटिक्स का था वो ईजी था। और जैसा कि हमने अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सुना है, अगर वो आ जाता है और मार्च एग्ज़ाम नहीं हो पाती आपकी, तो क्या आपको लगता है कि इस वाली एग्ज़ाम से उधर कवर हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम नहीं होती और मार्क्स देते हैं आपको इस एग्ज़ाम के बेसिस पे? मतलब अगर इसके बेसिस पे होता है तो मतलब थोड़ा एक दो पेपर ही थोड़े ईजी नहीं थे, बट बाकी अगर आएंगे तो मतलब अच्छे ही स्कोर होगा, लाइक 70-80 अबाव तो जाएंगे ही परसेंटेज। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको अगले पेपर्स के लिए। थैंक यू। तो आर्यन सक्सेना जुड़े हमारे साथ, ये स्कूल के टॉपर हैं, तो हम इनसे जानेंगे इनका क्या राय है मैथ्स के पेपर के बारे में ओवरऑल। हाँ, पेपर तो बड़ा इजी था, मतलब अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस आया था, सबको लग रहा था कि बहुत टफ होने वाला है पेपर, क्योंकि हम लोग ने पहले अभी इसके पहले जब फिजिक्स का पेपर आया था तो वो काफ़ी टफ आया था, ISC का भी और ICSE का भी, तो सबको ऐसा तो था कि टफ तो रहेगा पेपर, बट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन बहुत ईजी आया पेपर और एवरेज मार्क्स कम से कम 70 तो आ ही जाएंगे, मतलब मोर और लेस 80 एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या आप? आपके लिए डेफिनेटली मैं तो कर रहा हूँ, अभी आंसर की आ जाएगी तो फिर और मतलब। ठीक है फिर, देखते हैं, ऑल द बेस्ट आप। थैंक यू। तो हमने सभी बच्चों का इंटरव्यू ले लिया है और जो एक फाइनल कंक्लूजन हमें मिला कि ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर गया। तो यार एक लाइन बोलना चाहूँगा मैं, जलने वाले जलते हैं, जलना उनका काम है, जला जला के राख कर देंगे, एमजेंस इनका नाम है। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा गया है, काफ़ी सारे बच्चे 80 out of 80 और 70 अबव मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, बने रहे नैन नागर ब्लॉग के साथ। तो हमने पहला जो रिव्यू करा था वो अगर आपने जाके नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, जाके देखिए और उसी से इंस्पायर होके, क्योंकि उसके व्यूज़ इतने हो गए तो हमारे प्लान कैंसिल हुए और आज का दिन का हमने इंतज़ार करा और आज के दिन हमने करा ISC का
मैथ्स पेपर टर्म वन का रिव्यू, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे वीडियोस के, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और जितने भी चैनल्स उनकी लिंक मिलेगी, उनको जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऐसे ही लाते रहेंगे। और हमारी कोशिश है कि एक IIM वाले भैया हैं उनके साथ पॉडकास्ट करें उनकी जर्नी के बारे में, तो अगर पॉसिबल हुआ तो लाएंगे वो भी। और अगर हमने ऐसा बोल दिया कि पॉसिबल हुआ, मतलब हम ला ही रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।